कभी दबाव आया कि अदम एतमाद की तहरीक में शरीक हो जाएं, कभी ये दबाव आया कि हम हुकूमत में हिस्सा बन जाएं, और कभी ये दबाव आया कि भी ये जो गैर जमहूरी रवैये हैं हम उसका पार्ट बन जाएं। लेकिन जमात इस्लामी ने अपनी पॉलिसी पर मुस्तहकम रहने का फैसला किया और पूरे मुल्क में कारकुनान ने, ख्वातीन ने बड़ी जांफिशानी के साथ काम किया है। और इसी तरह जो हमारी अपनी कैलकुलेशंस के मुताबिक जिस तरह नताइज की तब्दीली है, उस नताइज की जद में जमास्तानी भी है। कौमी असम्बली के हलकों में मजमुई तौर पर जमात के 24 से 25 लाख वोट हैं, लेकिन उन्हें 14 से 15 शो किया जाता है। सूबाई असम्बली के हलकों में मजमुई तौर पर पूरे मुल्क में हमारी वोटिंग स्ट्रेंथ जो है कि वो 24 से 25 लाख के करीब है, लेकिन उसे 18 से 19 लाख पेश किया जा रहा है। इंशाल्लाह हम जो करता से अब्जेज होगा, वाइट पेपर होगा, उसमें तमाम तफसीलात को पेश करेंगे। और हम कारकुनान की तहसीन करते हैं कि एक जहरीली पोलराइजेशन में कौम की जो धड़ों में तकसीम है और इंतखाबात की जो एक पूरी इंजीनियरिंग है, इसके बावजूद भी हम अपने मंशूर, अपने इंतखाबी निशान तराजू और जमात इस्लामी की आवाम की सतह पर जो खिदमात हैं, मैं पूरे तयक्कुन के साथ हम लोगों तक पहुँचे हैं इंशाअल्लाह। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हैं। दूसरी जानिब मेहरबानों मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी जो आपने मुलाहिजा की, और इसी के साथ डॉन न्यूज़ से इतना है। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए डॉन न्यूज़।